तो कल रात से हो रही है पूरी बारिश, मतलब शाम से जब से हम चौपता से उखीमठ पहुँचे तब से हो रही है लगातार बारिश। तो यहाँ से दो बस जाती हैं, एक जाती है सुबह 5:30 बजे प्राइवेट, और एक आती है उत्तराखंड परिवहन की सुबह 6 बजे, ये जाएगी देहरादून। और पहले जो बस गई थी वह गई थी हरिद्वार। तो इसके दो बसों के अलावा फिर यहाँ से कोई बस नहीं है। तो हम लोग बैठ गए हैं बस में, और मैं इंसान बैठा है, दिव्यांग बैठा है पीछे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, और सामने का नज़ारा ऐसा है देखिए। तो जो जिसका डर था इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकले थे कि भैया हमको कहीं बारिश बहुत हो रही है, उस तरह से ट्रैफिक ना पड़े। लेकिन इधर कहीं लैंडस्लाइड हुआ है और सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बजे हैं, आधे घंटे में हम नीचे पहुंचे थे। यहाँ पर बोल्डर आए हुए हैं, इधर पे वहाँ पर बोल्डर आए हुए हैं। तो अभी रोड हो रही है क्लियर, अभी रोड क्लियर होने में लग गया टाइम बहुत ज़्यादा। जिसका डर था देखो पूरा पहाड़ी नीचे वहाँ तक आ गई है, तो आगे हमें इसका खेल है। ये देखिए फिर से पत्थर ऐसे गिर रहे हैं अभी भी। तो वहाँ पे हुआ है लैंड साइड, तो यहीं पर रेस्टोरेंट भी है। हमने कहा चलो इधर पे नाश्ता कर लेते हैं। अभी पत्थर गिर रहे हैं, वो मशीन लगी है छोटी वाली, तो उसके खुलने के चांसेस बहुत देर में खुलेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा रोड खुलने में। जैसे ही वो खोलता है ना वैसे ही देखो पत्थर नीचे गिर जाते हैं। वो देखो वो गिरा, ये जैसे ही वो खोला रास्ता वैसे पत्थर नीचे गिर जाए। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे यहाँ पे हमको लगना है। क्यों हैं, कितना घंटा लगेगा? 3 घंटे से कम तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा 3 घंटे से कम। तो यहाँ पर मंदाकिनी का नज़ारा देखो आप, बहुत खूबसूरत है। अभी भी देखो ऊपर से बोल्डर गिर ही रहे हैं, ऊपर से लैंड स्लाइड अभी भी चालू ही है क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। देखिए कितना बड़ा पत्थर आया ऊपर से, ये देखिए ये गिरा नीचे आके पूरा। अब इसी में ही बार बार आपदा आती है। तो रास्ता पूरा भी है वहाँ पर क्लियर करें, लेकिन उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एक मशीन है बस। पूरी करके नींद कहाँ पूरी हुई, जबकि आनी चालू थी, जबकि चालू हुई थी। तो गाड़ी रुकी हुई है नाश्ता करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि आगे कहीं पे लैंड स्लाइड है बहुत बड़ा, होटल शिव शिवाय बद्रीनाथ मार्ग नरकोटा रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया। और यहाँ पर कुछ करते हैं ब्रेकफास्ट में मैगी खाई थी, खाना ही खाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल जोश में झंडा फहराते हुए दो लैंड स्लाइड तो हमारे बच गए, लेकिन ये वाला शायद बहुत बड़ा है। ये देख रहे हैं ना, अब इसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ना जाने कहाँ तक, क्योंकि उस साइड से आने वाली गाड़ियाँ बहुत देर से दिख नहीं रही थी। और नीचे देखिए मंदिर, देखिए पूरा पानी में डूबा हुआ है।
और रास्ता निकल इतनी ज्यादा बारिश है। वो नदी कौन सी है उधर से आ रही है? नदी नहीं, अच्छा नीचे मारकंडा बह रही है। यह है NH-58 बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे। किलोमीटर तो मैं ही आ गया हूँ। जाम कितना लंबा है मेरे पीछे देखो ना, पूरा का पूरा गाड़ियाँ पूरी पूरी खड़ी हैं, क्योंकि हम लोग जब से रुद्रप्रयाग से निकले हुए थे तो इधर को एक भी गाड़ी आ नहीं रही थी, तो उसका अनुमान ये लगाया गया कि भाई पक्का ट्रैफिक जाम है, कहीं पे लैंड स्लाइड हुई है। अभी दो JCB गए हुए हैं सस्ते, तो वो कहता है कि जाम बहुत बड़ा है, जो लैंड स्लाइड है तो उसमें JCB की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। दो JCB पहले काम कर रहे थे, दो अभी गए हुए हैं, यानी चार वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं श्रीनगर में और श्रीकोट के पास ये जाम लगा हुआ है। तो आप देखिए ना, पूरा पहाड़, पूरा पेड़, पूरा नहीं जागे, पूरा लैंड स्लाइड जो है, इसे लोगों ने गाड़ियाँ भी इस साइड खड़ी की है। अभी यहाँ पर JCB लगा हुआ है, मे भी 2-3 घंटे में क्लियर कर दें। नीचे का ना घाटी देखो आप, नीचे बस ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए खड़े खड़े यहाँ पे। 12 बज गए, 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, 9 से अभी 12 बजे हुए हैं। अभी भी ये पता नहीं है कि वो लोड खुलेगा तो खुलेगा कब, और बाकी टेंशन है कि रात भर ही ना फंस जाएँ, फिर दिन के 12 बज तो बज गए हैं, 2 बज जाएंगे फिर हम लोग के लिए लखनऊ जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से हम लोग को बस पकड़नी थी, शायद वो भी मिस ना हो जाए। तो 3 घंटे बाद एटलीस्ट गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, अभी भी लेकिन ट्रैफिक है रुका हुआ है, उधर से ट्रैफिक गाड़ी आना स्टार्ट हुआ है। तो देखो कितनी जल्दी हमें क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे अभी 12:15 बजे में क्रॉस कर लेंगे तो टाइम पे पहुंचेंगे हरिद्वार। राफ्टिंग कर सकते हैं नीचे, वहाँ पे देखिए राम झूला है, लक्ष्मण झूला है और उधर है आश्रम, तो आप यहाँ यहाँ से घूम सकते हैं। अभी भी दिखाई दे रहा था लेकिन अभी अभी ये बड़े बड़े पेड़ आ गए। चल ठीक है, दिव्यांश उतर रहा है पहले ही, ठीक है भाई नेक्स्ट ट्रिप पे मिलेंगे, बाय। तो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था ऋषिकेश से, ऋषिकेश में ही एंड कर देते हैं क्यों, क्योंकि अब पहाड़ और ये बादल दिखेंगे नहीं कुछ देर बाद। ये और मैं दिव्यान उतर गया था पहले, और ये मैं अभी यहाँ से जा रहा हरिद्वार, फिर हरिद्वार से पकड़ेंगे बस या ट्रेन लखनऊ की, तो रात का सफ़र रहेगा। तो ब्लॉग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी मस्त डेस्टिनेशन में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवी, जय उत्तराखंड।